हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम है हर एक को आशीष की चंगाई की छुटकारे की मैं घोषणा करता हूँ। प्रेस टू जीजस हालेलुया। मैं पास्टर इमानुएल एक बार फिर से स्वागत करता हूँ इस प्रार्थना के सभा में। मेरे पियो विश्वास करिए स्वर्ग का परमेश्वर आपके लिए आरिश्चयक्रम करने जा रहा है, आपके बंधन टूटने जा रही है। जितने लोग विश्वास के साथ इस प्रार्थना में शामिल हो रहे हैं, प्रार्थना को देख रहे हैं, प्रभु उनके जीवन के हर एक क्षेत्रों में आशीष करने जा रहा है। हालेलुया। मेरे पियो हो सकता है आपके दुश्मन आपके पीछे पड़े हो, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे, आपके प्रमोशन नहीं होने दे रहे हो, लेकिन मेरे पियो प्रभु का वचन हमसे कहता है भजन संहिता 147 के उसके 5 पद लिखा है, प्रभु महान और अति सामर्थी है। हमारा प्रभु महान और अति सामर्थी है, उसकी बुद्धि अपरंपार है। यहोवा नम्र लोगों को संभालता है और दुष्टों को भूमि पर गिरा देता है। आपके विरोधी आपके पीछे पड़े हो, आपको हानि पहुंचाना चाहते हो, लेकिन वो आपके पास लड़ने के लिए आएंगे, आपको हानि पहुंचाने के लिए आएंगे, लेकिन वह घुटनों के बल रेंगते हुए जाएंगे, क्योंकि आपके तरफ से लड़ने वाला इस सृष्टि और इस पृथ्वी का करने वाला रचने वाला परमेश्वर है, आपके तरफ से होकर लड़ाई लड़ेगा। इसलिए मेरे पियो कभी डरना नहीं, कभी घबराना नहीं, क्योंकि ये सृष्टि का परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। आपका विश्वास केवल भरोसा यीशु के ऊपर होना चाहिए, और कह रहा हूं जैसा आपका भरोसा है वैसे आपके जीवन में आशीष से आएगी। हालेलुया। जितने लोगों ने अपने हाथों को आगे बढ़ाकर प्रभु के राज की बढ़ोतरी के लिए बीज बोया है, हमारी मिस्ट्री हर रोज 300 दिन बड़े बोझ के साथ प्रार्थना करता है, और मैं पर्सनली अपने प्रार्थना में आप सभी को याद करता हूँ। हालेलुया। जो बीज बोना चाहते हैं डिटेल दिया गया है, अपनी शक्ति अपनी इच्छा के अनुसार इसमें सहयोग करे। जो चर्च जमीन के लिए प्रॉमिस किए हैं वो भी प्रभु की अगुवाई में बैठ कर उसमें सहायता करे। आइए हम प्रार्थना की ओर चलते हैं। विश्वास के साथ प्रार्थना को देखे और बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को अपने जीवन में अपने घरों में क्लेम कीजिए। ओ रिबा शिखर रबा हुलाबा रिकरबा रिक्तम जयम धन्यवादेशो धन्यवादेशो। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं खुदा, हर एक बातों के लिए, कार्यों के अनुग्रह के लिए, प्यार के लिए, आशीषों के लिए, चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए, यह सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। पिता आपने प्रभु जी हम सबको जीवितों में बीच में रखा पिता, हम इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। जितने लोग मुझे देख रहे हैं पिता, इस प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता, हर एक के ऊपर तेरी सामर्थ्य मंडलाने पाए, हर एक व्यक्ति तेरे नाम से ब्लेसिंग हो जाए, हर एक व्यक्ति चंगे हो जाए, चंगाई का हाथ बढ़ाइए पिता, और हर एक को छू लीजिए खुदावन। हाँ पिता, मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूँ पिता। ओ रमा शिखर रबा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में मैं हर एक को चंगाई की घोषणा करता हूँ। इनके बंधन टूट जाए, बंद रास्ते खुल जाए, जो चिंताओं में बैठे हैं, चिंता करने वाली बातें इनके जीवन से बाहर निकलने पाए, रास्ते खुल जाए, हर एक समस्याएं कष्ट परेशानियों का अंत होने पाए। जो पिता रास्ते बंद हैं वो तेरे नाम से खुलने पाए, हर एक बंधन टूटने पाए, इनके जीवन के क्षेत्र में तेरे नाम से सफलता मिलने पाए खुदावन। हाँ प्रभु जी, हर प्रकार की चिंताएं बोझ इनके जीवन से दूर होने पाए। आप ऐसे आरिश्चय क्रम करने जा रहे हैं, मैं धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू लॉर्ड, प्रेज टू जीसस, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। मैं कुछ नामों को परमेश्वर मुझे दिखा रहा है पवित्र आत्मा, वो नामों को मैं आपके सामने रख रहा हूं। वो थैंक यू लॉर्ड, अनिल, शैलेंद्र, निधि, ओ हालेलुया, अरुणा, ओ मम रब शिखर रब रिक्तम जयम रिक्तम जयम। प्रेज टू जीसस। जितेंद्र, ममता, ओ हालेलुया हालेलुया। संतोषी, यस, इन सारे नामों को परमेश्वर ब्लेस करने जा रहा है, इन सारे नामों को परमेश्वर आशीषों से भरने जा रहा है। मैं कह रहा हूं जितने लोग विश्वास के साथ इस शब्द को रिसीव कर रहे हैं, परमेश्वर उनके जीवन में कार्य कर रहा है। जो शब्द जो नाम प्रभु ने दिया है मेरे पियो, मैं कह रहा हूं प्रभु आपके जीवन में आशीष को उड़ेल रहा है।
जो आपके रास्ते बंद थे उन रास्तों को परमेश्वर खोल रहा है। हर समस्याएं कष्ट परेशानियां आपके जीवन से दूर हो रही है। आप चाहे किसी भी क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हो, परमेश्वर उन क्षेत्रों में आपको आशीष करने जा रहा है। आपके बंधन टूट रही है, बंद रास्ते खुल रही है। विश्वास करके आमीन बोलकर क्लेम कर लीजिए इस शब्दों को। ओ थैंक यू लॉर्ड, ओ रामा सीखा रामा, कुछ और नाम के पहले अक्षर को रख रहा हूं। परमेश्वर उन सबों को ओ 3 महीने के अंदर ब्लेसिंग देने जा रहा है। AYMND SHLOP इन सारे नामों को परमेश्वर आशीष करने जा रहा है। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, समस्याएं पहाड़ जैसी क्यों ना हो, विश्वास कीजिए वो समस्याएं खत्म होने जा रही है। कुछ लोगों को गवर्नमेंट जॉब से परमेश्वर ब्लेस करने जा रहा है। जो बच्चे के आशीष के लिए प्रार्थना कर रहे हैं वो बच्चे के आशीष पाने जा रहे हैं। जो रास्ते बंद है और रास्ते आपके खुलने जा रही है, विश्वास कीजिए और प्रभु से प्रार्थना कीजिए। ओ थैंक यू लॉर्ड, प्रेज टू जीसस। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में मैं इनको आशीष की, चंगाई की, छुटकारे की मैं घोषणा करता हूँ। इनके बंधन टूट जाए, बंद रास्ते खुल जाए, हर एक समस्याओं का समाधान यीशु के नाम में मिलने पाए। यस लॉर्ड, आपने इन सारे नामों को ब्लेस किया, आशीष किया, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जो बीमार पड़े हैं पिता, वो दवाई खा के थक चुके हैं, वो पिता थके माए तेरे पास आए हैं, लेकिन अब विश्वास के साथ आए प्रभु। मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूँ पिता, हर प्रकार की बीमारियां इनके शरीर से बाहर निकलने पाए, हर प्रकार की मारी इनके जीवन से बाहर निकलने पाए और त्याम की महिमा इनके जीवन में प्रकट होने पाए पिता। इनके हाथों इनके पैरों में नया बल, नया शक्ति, नया सामर्थ्य आ जाए, हर एक कमजोरी दुर्बलता इनके शरीर से इसी समय बाहर निकलने पाए। ओ थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। दुनिया कोने में कहीं भी रहकर आप प्रार्थना को देख रहे हैं मेरे पियो, किसी गांव की, शहर, किसी कस्बे में परमेश्वर की सामर्थ्य आपके बीच में है। विश्वास कीजिए, विश्वास करने का जीवन प्रभु छू रहा है। आपकी बीमारी आपके जीवन से बाहर निकल रही है। रसोलिया, पथरिया, गांठ यीशु के नाम में बाहर निकलने पाए। पेट की समस्या बाहर जाए। बीपी, शुगर, नमो होने पाए। भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियों से जो ग्रसित है पिता, हर प्रकार की बीमारियों से मैं इनको छुटकारे की घोषणा करता हूँ। इसी समय पिता अपनी हाथ को बढ़ाइए और इन सबको छू लीजिए पिता, इन सबको चंगाई प्रदान कीजिए पिता। ये दुनिया कोने में कहीं भी रखकर प्रार्थना को देख रहे पिता, तेरी सामर्थ्य इनके शरीरों में प्रवाहित होने पाए और ये भाई बहन तेरे नाम से चंगे हो जाए। चंगाई का सामर्थ्य हाथ बढ़ाइए और हर एक को छू लीजिए पिता। ओ रमा सीखा मेरे पियो, पापों से फिर कर, गुनाहों से फिर कर यीशु के पास आइए। वो आपको पे लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र करेगा और आपको पे राज का वारिस बनाएगा। मेरे पियो, हमारा परमेश्वर जीतो का परमेश्वर है, वो आरिशय क्रम करने वाला परमेश्वर है। वो आपको पे लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र करेगा और आपको पे राज का वारिस बनाएगा। पिता, हर प्रकार की मारियों से आप इनको छुटकारा प्रदान कर दिया पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, ओ रामा सीखा रामा, जो पिता हॉस्पिटल एडमिट है प्रभु जी, हाँ पिता, हर एक ऑपरेशन यीशु के नाम में कैंसिल हो जाए, हर एक हरी मारियां इनके शरीर से बाहर निकलने पाए, हर एक जोड़ते स्वर्ग से पूरी होने पाए। यस यस यस, जो कुछ लोग हस्बैंड एडमिट है, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, अपनी सामर्थ्य हाथ बढ़ाइए और इन सबको छू लीजिए पिता, इन सबको चंगाई प्रदान कीजिए। कुछ लोग हैं जो हॉस्पिटल में रहकर प्रार्थना को देख रहे हैं, पंजाब, मुंबई, दिल्ली, यस, इंदौर से मुझे देख रहे हैं, जो हॉस्पिटल एडमिट है, प्रभु उनको छू रहा है, प्रभु उनको चंगाई दे रहा है। ओ हालेलुया, और एक दो सरों का नाम ले रहा हूँ, गुजरात और कोलकाता से मुझे देख रहे हैं, परमेश्वर आपको हेलिंग देने जा रहा है। यीशु के नाम में आप चंगे हो चुके हैं, विश्वास कीजिए, प्रभु की महिमा कीजिए अपने हाथों को उठाते हुए। ओ थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, आमीन 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 आमीन, आपने इनको चंगाई दिया, मैं धन्यवाद करता हूँ पिता। जो कर्ज में डूबे हुए हैं खुदावन, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, हर एक कर्ज के बंधन इनके जीवन से टूटने पाए, हर एक कर्ज के जंजीरों से या आजाद होने पाए पिता, तेरे नाम की महिमा इनके जीवन में प्रकट होने पाए खुदावन। हाँ पिता, हर एक कर्ज के बंधन से आपने इनको छुटकारा प्रदान किया, मैं धन्यवाद करता हूँ पिता। जो पिता इनकी मेहनती कमाए पिता, कहीं फंसे किसी कंपनी, किसी ऑफिस में खुदा, हाँ प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कैसे सब कहीं पैसा इन्वेस्ट किए हैं पिता, आप अरिशय क्रम करने वाला परमेश्वर है,
आप अद्भुत चंगाई छुटका देने वाला परमेश्वर है। हाँ पिता, आप सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। पिता जो पैसा लिया पिता उसका हृदय उसका मन परिवर्तन होने पाए पिता, और इनकी मेहनती कमाई मिलने पाए तेरे नाम से, और तेरे नाम की महिमा इनके जीवन में प्रकट होने पाए। हाँ प्रभु, अपनी सामर्थ्य हाथ बढ़ाइए और इन सबको छू लीजिए, इन सबको चंगाई प्रदान कीजिए, इन सबके हृदय मन को परिवर्तन कीजिए पिता, और इनकी मेहनती कमाई इनको पिता देने वाले हो जाए। यही हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं पिता। ओ रामा सीखा जो पिता, जिन घरों में पिता, जिन व्यक्तियों के अंदर निराशा कार्य कर रही है, दुख और शोक की आत्माएं कार्य कर रही है, प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं पिता, इनका हृदय इनका मन आनंद से भर जाए, दुख तकलीफ कष्ट परेशानियों से छुटकारा पाने पाए, और इनका शोक आनंद इसी समय बदलने पाए ते नाम से। यही हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम में, यीशु के नाम में इनका शोक आनंद में बदले जाए यीशु के नाम में। यस यस, जिन घरों में अशांति लाजमाए कार्य करिए, हाँ प्रभु मैं उस घर के लिए प्रार्थना करता हूँ, उस घर में तेरी शांति मरवाने पाए पिता, उस घर में सुख शांति आने पाए, हर एक लाजमाए दूर होने पाए, अलग करमाए यीशु के नाम में बाहर निकलने पाए, और इनका घर इनका परिवार पिता ओ प्रभु जी खुशियों से भर जाए, मैं मिला की आत्मा इनके घरों में कार्यशील हो जाए तेरे नाम से। थैंक यू लॉर्ड, प्रेज़ टू जीसस। मैं देख रहा हूँ कुछ घरों में नशे की आत्माएं कार्य कर रही है, जिस कारण उस घर में अशांति फैला है, वहां से नहीं रुक पाती है। हाँ पिता, मैं ऐसे व्यक्तियों के लिए रहने के लिए प्रार्थना करता हूँ, हर एक नशे की आत्माएं, बुरी आत्माएं, अंधकार की आत्माओं से मैं छुटकारे की घोषणा करता हूँ यीशु के नाम में। नशे की आत्माएं इनके जीवन से बाहर निकलने पाए, इनका घर इनका जीवन पिता बचाया जाए तेरे नाम से। खुदा आपने पिता नशे की आत्माओं से, अंधकार की आत्माओं से आजाद किया, मैं धन्यवाद करता हूँ पिता, पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में मैं इनको आशीष के चंगाई की घोषणा करता हूँ यीशु के नाम में। ये चंगे हो जाए, ये ब्लेसिंग हो जाए, ये हीलिंग हो जाए तेरे नाम से। हाँ पिता, आपने इनको आशीष चंगाई प्रदान किया, मैं धन्यवाद करता हूँ खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता उन सारे भाई बहनों के लिए खुदा, ओ रामा शिखर रामा, जो प्रभु जी बच्चे के आशीष के लिए प्रार्थना करवाए, शादी के सालों बीत चुके हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पियो, शादी के चाहे 10 साल चाहे 15 साल हो चुके हो, सोने की आवश्यकता नहीं है, स्वर्ग का परमेश्वर आपको आशीष देगा, केवल आपको भरोसा रखना है। पिछले दिनों परमेश्वर निश्चय क्रम किया है, 10 साल 15 साल शादी को हो चुके थे, यहाँ तक 17 साल हो चुके थे, लेकिन परमेश्वर उनको आशीष दिया है और आपको भी आशीष देगा। विश्वास रखिए अपने परमेश्वर पर, वो आपको ब्लेस करेगा, प्रभु हर प्रकार की बीमारी इनके शरीर से बाहर निकलने पाए और ये पिता तेरे नाम से आशीष पाने पाए। यही हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं पिता उन सारे भाई बहनों के लिए खुदावन, जो प्रभु जी ओ रामा सखर रबा हालेलुया हालेलुया प्रेज़ टू जीसस। जो प्रभु जी इस समय पिता बाहर में काम करते, जॉब करते, बिजनेस करते, पढ़ाई करते, जहां भी पिता पंखों की आड़ में छुपाए रखिए, हर एक समस्याएं कष्ट परेशानियां इनके जीवन से बाहर निकलने पाए और तेरे नाम की महिमा इनके जीवन में प्रकट होने पाए, रास्ते खुल जाए, बंधन टूट जाए तेरे नाम से पिता, और तेरे नाम की महिमा इनके जीवन में प्रकट होने पाए, अद्भुत चंगाई छुटकारा इनके जीवन में स्वर्ग से प्रकट होने पाए खुदावन। हाँ पिता, इनको जो भी जॉब की समस्याएं पिता, जॉब की समस्याएं बाहर निकलने पाए, मांगने से अधिक अगुता से बढ़कर आप इनको ब्लेस करने जा रहे हैं पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ हर एक को, मैं तेरे नाम से ब्लेस करता हूँ। जितने हाथों ने अपने हाथों को आगे बढ़ाकर बीज बोया है, भेंट दान दशमलव डाले पिता, इन सबों को मैं तेरे नाम से ब्लेस करता हूँ, इनके सैलरी बिजनेस सब को मैं आशीष की घोषणा करता हूँ पिता, ये जितना बीज बोए पिता उसका 100 गुना काटने जा रहे हैं तेरे नाम से, हम धन्यवाद करते हैं। दिन भर कार्य मगवाए के सहायता कर, जहाँ कार्य करने जाते हैं हर एक काम तेरे नाम से सफल होने पाए, जितनी रिपोर्ट आने वाले हर एक का रिपोर्ट न माने पाए, प्रार्थना सुना धन्यवाद ये शुक्र पिताजी आशीष मांगते हैं, शुद्ध आस ग्रहण कर ले पिता, आमीन हालेलुया। मेरे पियो विश्वास के साथ प्रार्थना को देखिए और बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को रिसीव कीजिए, स्वर्ग का परमेश्वर आपके बंधन को तोड़ेगा। सभी को जय मसीह के, गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।